रुक साहब जी मेरे हाथ में है बैंगन, और बैंगन के ऊपर ताज भी होता है, और इस पे मैं आपको एक चुटकुला भी सुनाऊंगा लेकिन वीडियो के जी बाद। लेकिन आज ये जो बैंगन है इसको बच्चे तो खाते हुए मुंह चिढ़ाते हैं, जो युवा पीढ़ी है या दूसरे लोग भी हैं उनके घर में भी बैंगन कभी कभार ही खाया जाता है भरते के रूप में। लेकिन क्या ये बैंगन, इसमें ऐसे कोई गुण भी हैं? कई तो लोग तो कहते हैं बैंगन मतलब बेगुण, क्या इसमें ऐसे गुण हैं कि ये सब्जियों के रूप में इसको हमें निरंतर खाना चाहिए, या बैंगन की कहानी क्या है? देखिए, बैंगन जैसा आपने कहा कुछ लोग इसको बेगुन कहते हैं, और हर परिवार में आपको कम से कम एक सदस्य ऐसे मिल जाएगा कि अगर ये उसे पता चल जाए कि आज ये बैंगन की सब्जी बनी है तो वो मुंह सिकोड़ लेगा, नाक सिकोड़ लेगा, और विकल्प ढूंढेगा, होटल पे कहीं खा लूँगा वगैरह वगैरह। और ये मान्यता भी है कि इसमें कोई गुण नहीं होता, लेकिन इसके जो सिर पर ताज रखा है ये बेमतलब नहीं है। इसे शीतकालीन सब्जियों का राजा कहा जाता जो विंटर में आती हैं, और एग प्लांट इसका अंग्रेजी में कहते हैं, जो पूरी दुनिया में इसको एग प्लांट के नाम पर जानते हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि ये सुपर फूड में इसकी गिनती होती है। बैंगन की? सुपर फूड अच्छा जी, जो 6 सुपर फूड माने जाते हैं उसमें कॉलीफ्लावर है, गोभी, कैबेज है, वो भी गोभी दूसरी जो वाली होती है, और इसमें सीड्स आते हैं पम्पकिन इस वगैरह के सीड आते हैं, बेरीज है ना, और उसी कैटेगरी में आगे चल के ये आपका सुपर फूड है बैंगन, यानी कि एग प्लांट। तो इसकी आयुर्वेद में बहुत महत्ता पहले से बताई गई है, और अब के दौर में नए नए शोध से पता चला है कि आयुर्वेद ने जो जो इसके अंदर गुण बताए थे वो सारे गुण मौजूद हैं। अब कई बार ताजुब भी उठता है कि उस समय ना तो कोई प्रयोगशालाएं थी, ना कोई बहुत बड़े लेवल पर सर्वेक्षण होते थे उस तरह के, कैसे उन्होंने ये पहचान लिया था कि ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं मूत्रवर्धक, ये अच्छा डायूरेटिक है, इसके खाने से पेशाब का फ्लो बढ़ता है, ये गुर्दे के रोगों में उपयोगी है, और जो आयुर्वेद में ये धारणाएं हैं जो लिखी गई हैं ये सब मॉडर्न मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दी हैं कि इसके वही गुण हैं जो आयुर्वेद में वर्णित हैं, और उसकी वजह बता दी है कि इसलिए है। जी तो एक तो ये आयुर्वेद की बात पहले कर लें, शीतकालीन सब्जियों का राजा है, नायक है। दूसरे, वात पित्त कफ की जब हम बात करते हैं आयुर्वेद में, तो ये पित्त को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाएगा, वात को और कफ को शांत करेगा। तो जितनी ऐसी बीमारियां हैं जो पित्तस बीमारियां हैं जिसमें पित्त का प्रकोप बढ़ता है, उसमें ये सलाह दी जाती है, आयुर्वेद कहता है कि आप ये बैंगन ना खाओ, ना खाएं। तो एक तो उन्होंने ऋतु के हिसाब से बताया कि दिवाली से पहले से नहीं खाना चाहिए, अच्छा चूंकि शीतकालीन सब्जी है, और दिवाली से पहले का जो मौसम है उसमें जैसे शरद ऋतु है तो पित्त प्रकोप की प्रधानता रहती, तो इसलिए भी मना किया गया। तो इतना जबरदस्त व्याख्या की गई है तमाम चीज़ों की कि ऋतु के अनुसार खाना है, जैसे कहा दिवाली से पहले खा लेना है और शरद ऋतु में नहीं खाना। शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, उस पर आप बैंगन खाएंगे पित्त प्रधान होने के कारण, तो वो नुकसान करेगा। और इसकी जो विशेषता है दूसरी, ये कफ नाशक है, कफ का नाश करेगा, तो बसंत ऋतु के आरंभ में लाभकारी है। बसंत में हम ये मानते हैं कि जो शीतकाल का कफ है वो संचित होके बसंत ऋतु में पिघलता है, तो कफ से पैदा होने वाली बहुत बीमारियां होती हैं, तो उस समय में आप बैंगन का प्रयोग करेंगे तो वो श्रेष्ठ है। तो अभी बेस्ट टाइम चल रहा है, सही सही समय चल रहा है इसका। और कफ जिनकी प्रकृति कफज है या सम प्रकृति वात पित्त कफ उनका सब सामान्य अवस्था में है, तो उनके लिए ठंडे मौसम में ये लाभकारी है। इसके बताया गया कि मधुर है, मीठा तीक्ष्ण है, गर्म है, पाक में तिक्त है। पाक में तिक्त का मतलब है कि जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ये शरीर में मिलता है, तो उस समय इसमें तिक्त स्वभाव है, वायुनाशक भी है, और अग्नि प्रदीपक है, मतलब अग्नि को प्रज्वलित करता है, जो हमारी पाचक अग्नि है, जिससे भूख भी बढ़ेगी। और बहुत बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही थी, मूत्रवर्धक है, डाईयूरेटिक, पेशाब की मात्रा को बढ़ाएगा, उसको निकालने में मदद करेगा। किडनी की डिजीज में तो ये बहुत बड़ा रामबाण है। अच्छा जी, हाँ, किडनी के रोग हों, हाँ, बहुत उपयोगी है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे सीरम क्रिएटिनिन एक चीज़ होती है, जो हम प्रोटीन लेते हैं, अगर वो प्रोटीन बॉडी पूरी नहीं निकालता, हमारी किडनी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती, तो वो हमारे खून में आ जाता है।
तो जो क्रिएटिनिन की मात्रा है ये कई तरह के रोग पैदा करती है, उसमें इस एग प्लांट का या बैंगन का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत लाभकारी है। कुछ बीमारी ऐसी जैसे मैंने बताई कि जिसमें अगर है किसी को तो फिर बैंगन नहीं खाना चाहिए, जैसे अगर किसी को बवासीर है यानी अच्छा। पाइल्स है तो ना खाएं। अगर कोई पीरियड में कोई महिला है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तब वो ना लें इसको। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की शिकायत है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की, वो इसको अवॉइड करें, ना खाएं। हाँ, और जिनको खून की कमी है वो भी इसको ना लें, और जिनको स्किन एलर्जी हो जाती बैंगन वगैरह लेने से तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। जहाँ तक इसके मेडिकल कंपोजिशन की बात है, आज की डेट में चूंकि विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर इसके बारे में पता कर ली, तो 100 ग्राम बैंगन अगर कोई खाता है तो उससे उसको 24 कैलोरी मिलेंगी। 24 कैलोरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, और इसके अंदर 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1.5 ग्राम फाइबर है, और प्रोटीन भी 4 ग्राम है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, और बीटा कैरोटीन जो कि गाजर में भी मिलता है और हमारी आंखों के लिए बड़ा यूजफुल है, वो भी बैंगन के अंदर मिलता है। तो फाइबर है इसमें, तो फाइबर जैसे हमने बहुत सारी अपनी वीडियोस में पहले बताया कि जिनमें भी जो फाइबर रिच चीज़ें हैं वो सब हमारी कब्ज में मदद करती हैं, कब्ज में मदद करती हैं, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को नीचे करती हैं, LDL जिसको बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती हैं, और चूंकि इन दोनों चीज़ों को कम करती हैं बॉडी में तो इसलिए हार्ट के लिए सेहतमंद है। अच्छा, एक इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो ये शुगर में भी खाई जाती है। तो ये कोई मतलब मेडिसिन का विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आप बैंगन का यूज़ कर रहे हैं, नियमित तौर पर कर रहे हैं, और आप पित्त प्रधान नहीं है, आपको वो बीमारी नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में उपयोगी है, जैसे हार्ट की सेहत के लिए उपयोगी है, किडनी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, डायबिटीज़ में उपयोगी है, और अगर कोई कब्ज़ है, कोष्ठबद्धता, उसमें बहुत हेल्पफुल है। और उसकी वजह ये है कि इसके इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है। इसमें धर्मेंद्र जी एक बड़ी एक कुछ चीज़ होती है नेसुनिन। नेसुनिन इसके अंदर जो केमिकल है उसकी वजह से ये इसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट है। अच्छा, एंटी कैंसर इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी ओबेसिटी है, और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, दिल से संबंधित रोग, उनके खतरे को कम करता है। इतने गुणों से भरपूर इस बैंगन को जो लोग बेगुन कहते हैं या इससे मुंह चिढ़ाते हैं, विज्ञान ने अब और आयुर्वेद ने बहुत पहले ही सिद्ध कर दिया है कि ये तो गुणों की खान है, सब्जियों का राजा है। इसने सिर पर ताज बिना मतलब नहीं पहना है, प्रकृति ने जिसको ताज पहनाया है तो उसकी वजह है। प्रकृति कोई भी बाह्यत काम नहीं करती, मनुष्य बेशक करे, कोई ऐसी चीज नहीं है प्रकृति में जिसका कोई ना कोई उपयोग ना हो। तो आहार ही औषधि में हाँ, बैंगन आहार तो है ही, आप इसको खाएं। और इसमें एक जो भरता बनता है तो उसमें बैंगन और भरपूर मात्रा में प्याज भी मिलाते हैं, प्याज भी सुपर फूड है। किसी दिन प्याज पे बात करेंगे। तो जब आप बैंगन का भरता खाएंगे तो आप ये मान के चलिए 2 सुपर फूड आपके अंदर जा रहे हैं, बैंगन भी जा रहा है और प्याज भी जा रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद है, शुगर कम करता है, और ये जो मैंने बताया इसमें नेसुनिन की वजह से ये वाला गुण है। तो जब अगर आप पित्त प्रधान नहीं है और आपको ये बीमारियां नहीं है इस तरह की, तो जम के आप बैंगन खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंगन को अपनी रसोई में शामिल करें दोस्तों। और अब मैं चुटकुला सुनाता हूँ सिर्फ बैंगन। अकबर और बीरबल सब जानते हैं उनको, तो वो सैर करते थे रोज शाम को। तो एक दिन अकबर ने कहा कि यार बीरबल, आज तो है ना रानी साहिबा ने बैंगन की सब्जी बनाई और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मन खराब हो गया यार, खा तो ली पर मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि राज साहब, आपने तो अपनी शाम तो खराब करी करी, मेरी भी कर दी, बैंगन का तो आपने मेरे से नाम लेते ही मेरा जी खराब हो गया, और बैंगन का तो नाम ही बेगुण है। खैर बात आई गई हुई, तो थोड़े दिन बाद राजा को याद आई कि बैंगन पे ऐसी बातें हुई थी। तो एक दिन फिर ऐसे ही घूमते हुए बोले, यार बीरबल, आज तो रानी ने बैंगन की सब्जी बनाई थी और खा के मन खुश हो गया, पेट बिल्कुल साफ हो गया है, अच्छी आज तो एक भी डकार नहीं है, बहुत आनंदित हो रहा है मन को, और ऐसा लग रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा है। तो बीरबल ने कहा कि राजा साहब, बैंगन का नाम लेते आपने देखा मेरे चेहरा खिल गया है,
मैं तो सब्जियों में रोज़ बैंगन ना हो तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। और बैंगन तो जम के खाना चाहिए। देखो आपने देखा होगा ताज़ा, उसके सिर पे तो सब्जियों का राजा भी है वो। तो उसने कहा कि उस दिन तो तुम बैंगन को ख़राब बता रहे थे, आज तुम बैंगन की प्रशंसा कर रहे हो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि राजा साहब मुझे नौकरी आपकी करनी है, बैंगन की थोड़ी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी एक सबक मिलता है अकबर बीरबल की घटना से कि वो राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उसकी नौकरी करते हैं। तो चरणगिरी का भी प्रतीक है, चरणगिरी का भी प्रतीक है। लेकिन सच में आयुर्वेद में मैं तो हैरान हो गया कि इतने गुण बैंगन में है। और अगर इन चीजों के आप साथ में वैद्य जी ने यह भी बताया है कि किन लोगों को बैंगन नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिनको खाना चाहिए और जो खा रहे हैं वो बहुत स्वस्थ रहेंगे, तो बैंगन को अपनी रसोई में शामिल कीजिए। और ये सब्जियों का राजा है क्योंकि इसके सिर पे ताज है। शुक्रिया वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जी। अगले वीडियो में आहार ही औषधि हमारा ये नया कार्यक्रम है, इसमें हम एक एक आहार की जो खासियतें हैं जिनको खा के आप ठीक स्वस्थ हो सकते हैं बिना दवाइयों के लिए हुए या दवाइयों पर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी, इसलिए वैद्य जी ने ये नई सीरीज शुरू की है। तो आप बैंगन को अपनी रसोई में शामिल कीजिए। आभार जी, धन्यवाद।